निशा आदित्य को जानवी से दूर करने के लिए कर रही है अपनी बेटी बीना का इस्तेमाल। सीरियल वो अपना सामने चल रहा है निशा जानवी और आदित्य की लाइफ में काफी बड़ा ड्रामा। ये तो आप सब जानते हैं कि निशा आदित्य को उसके पेरेंट्स से दूर रखना चाहती है और इस वजह से आदित्य और निशा के रिश्ते में आ गई है दूरियां। वहीं जानवी आदित्य को समझती है और वो चाहती है कि आदित्य अपने परिवार के करीब रहे और इस काम में जानवी उसकी मदद भी कर रही है। निशा ने जिस तरह से जानवी और आदित्य को फंसाया कि इनका अफेयर चल रहा है, उसके बाद से जानवी आदित्य के करीब आ गई है। वो आदित्य से बहुत प्यार करने लगी है। वो आदित्य से अपने प्यार का इजहार एक लेटर के जरिए करती है और वो लेटर निशा के हाथ लग जाता है और ऐसे में निशा चलती है अपनी बहुत बड़ी चाल। निशा ने प्लान बनाया है कि वो फिर से आदित्य के करीब जाएंगी और उसके लिए वो अपनी बेटी बीना का इस्तेमाल कर रही हैं। वो आदित्य और अपनी एनिवर्सरी पर आदित्य के लिए सरप्राइज प्लान कर रही हैं, जिससे वो आदित्य का डिसीजन चेंज कर सके जो वो जानवी से शादी करने का कर रहा है। जानवी की आंखों में आंसू आ जाता है जब वो देखती है निशा आदित्य के क्लोज होने की कोशिश कर रही है। जानवी अब आदित्य से बहुत प्यार करने लग गई है, इसीलिए वो निशा और आदित्य को एक दूसरे के करीब नहीं देख पा रही है। उन्हें इस तरह पास में देखकर उसे बहुत दुख हो रहा है। देखते हैं कि अब जानवी क्या करती है, क्या आदित्य को पता चलेगा कि ये सब निशा की प्लान है। वेल शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज। निशा आदित्य को जानवी से दूर करने के लिए कर रही है अपनी बेटी बीना का इस्तेमाल। सीरियल वो अपना सामने चल रहा है निशा जानवी और आदित्य की लाइफ में काफी बड़ा ड्रामा। ये तो आप सब जानते हैं कि निशा आदित्य को उसके पेरेंट्स से दूर रखना चाहती है और इस वजह से आदित्य और निशा के रिश्ते में आ गई है दूरियां। वहीं जानवी आदित्य को समझती है और वो चाहती है कि आदित्य अपने परिवार के करीब रहे और इस काम में जानवी उसकी मदद भी कर रही है। निशा ने जिस तरह से जानवी और आदित्य को फंसाया कि इनका अफेयर चल रहा है, उसके बाद से जानवी आदित्य के करीब आ गई है। वो आदित्य से बहुत प्यार करने लग गई है। वो आदित्य से अपने प्यार का इजहार एक लेटर के जरिए करती है और वो लेटर निशा के हाथ लग जाता है और ऐसे में निशा चलती है अपनी बहुत बड़ी चाल। निशा ने प्लान बनाया है कि वो फिर से आदित्य के करीब जाएंगी और उसके लिए वो अपनी बेटी बीना का इस्तेमाल कर रही हैं। वो आदित्य और अपनी एनिवर्सरी पर आदित्य के लिए सरप्राइज प्लान कर रही हैं, जिससे वो आदित्य का डिसीजन चेंज कर सके जो वो जानवी से शादी करने का कर रहा है। जानवी की आंखों में आंसू आ जाता है जब वो देखती है निशा आदित्य के क्लोज होने की कोशिश कर रही है। जानवी अब आदित्य से बहुत प्यार करने लग गई है, इसीलिए वो निशा और आदित्य को एक दूसरे के करीब नहीं देख पा रही है। उन्हें इस तरह पास में देखकर उसे बहुत दुख हो रहा है। देखते हैं कि अब जानवी क्या करती है, क्या आदित्य को पता चलेगा कि ये सब निशा की प्लान है। वेल शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज।